नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पुणे के प्रसिद्ध जंगली महाराज मंदिर की यात्रा पर। चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में। तो दोस्तों, पुणे का जेएम रोड सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जेएम रोड नाम कहां से आया? तो दोस्तों, मेरे पीछे आप एक जंगली महाराज का मंदिर देख सकते हो। दोस्तों, इस मंदिर के नाम से ही इस रास्ते का नाम जंगली महाराज रोड, जो कि जेएम रोड नाम से जाना गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम देख तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम देखने वाले जंगली महाराज मंदिर। तो जब भी अभी ये जेएम रोड का रास्ता है और यहाँ पर आपको जो है सद्गुरु श्री जंगली महाराज का मंदिर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन लेने के लिए आपको पुणे के छत्रपति शिवाजी महाराज नगर आना होगा। तो दोस्तों, इस जगह की लोकेशन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों, बाहर आप जैसे कि जानते हो मेन रोड है और काफ़ी सारे जो बाइक या कार चलते रहते हैं, लेकिन अब जैसे एक कदम मंदिर में रखते हो तो यहाँ पर काफ़ी शांति है और काफ़ी तरह के यहाँ पर पेड़ है। यहाँ पर महाराज जी की समाधि है, तो वो समाधि भी देखने के लिए हम अंदर जाएंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। हर दिन यहाँ सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो है मंदिर के सामने आ चुके हैं। हम जाते हैं अंदर और महाराज जी की यहाँ पर जो है समाधि स्थल है, तो समाधि किस तरीके से अंदर बनाई गई है तो अंदर जाएंगे और दर्शन भी लेंगे। तो चलिए। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और साफ सुथरा है। यहाँ पर भक्तों के लिए ध्यान और योग करने के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं। जंगली महाराज का निधन 1890 में हुआ था। अभी जिस जगह पर हम हैं वो है जंगली महाराज जी का समाधि स्थल। आप पीछे एक पेंटिंग देख सकते हो जिसे मराठी में तैलचित्र कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी जो है हमने समाधि के दर्शन लिए, समाधि किस तरीके से है, मंदिर किस तरीके से है, सब कुछ आपको दिखाया। दोस्तों, इस मंदिर के पिछले हिस्से में आप जाने वाले, तो दोस्तों जेएम रोड काफ़ी भीड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स है, काफ़ी लोग यहाँ पर, हज़ारों लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो अभी हम बैक वाले साइड में जाकर नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ की। तो दोस्तों, ये है मंदिर, जंगली महाराज का जो मंदिर है। तो अभी हम पिछले साइड में आ चुके हैं। तो चलिए, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आप यहाँ पर, तो काफ़ी सारे पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, काफ़ी प्राचीन और काफ़ी बड़े पेड़ है। दोस्तों, मतलब ये एरिया अगर आप देखोगे तो सिटी का सेंटर है, मतलब जेएम रोड, एफसी रोड जो भी है, तो दगड़ूशेठ का भी मंदिर नज़दीक ही यहाँ से। तो ऐसे भीड़ वाली जगह पर ये जंगल आपको देखने को मिलेगा। एक ये प्रिजर्व है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है जंगली महाराज जी का मंदिर है। अगर यहाँ पर मंदिर न होता तो इस जगह पर भी रास्ते होते, शॉप्स होते, तो इस यहाँ पर आपको एक गणपति जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। नीचे आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम प्राचीन वास्तु को प्रिजर्व करेंगे तो ये आसपास का जो भी यहाँ का एरिया है वो भी प्रिजर्व रहेगा। अगर यहाँ पर मंदिर न होता तो हो सकता था कि यहाँ पर सड़कें बनती, शॉप्स बनते, जो हाल जेएम रोड का है वही हाल यहाँ का, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता। इसी जंगली महाराज मंदिर के साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक केव्स देखने को मिलेंगे, जो कि पातालेश्वर केव्स नाम से जाना जाता है। उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन ये भी, मतलब दोस्तों अगर आप इस जगह पर आओगे तो आप जो है दो स्पॉट के यहाँ पर दर्शन ले सकते हो, एक तो जंगली महाराज मंदिर और दूसरा जो है पातालेश्वर शिव मंदिर। प्लेस की लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जेएम रोड का जंगली महाराज मंदिर जो है उसके बारे में हो सका उतना बताने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों, एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए, काफ़ी बड़ा इतिहास है। जो भक्ति भाव से लोग आते हैं उनको काफ़ी यहाँ का इतिहास पता है, तो एक बार उनको विजिट करके भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और तो दोस्तों, यहाँ नज़दीक ही एक शिव मंदिर है, पातालेश्वर शिव मंदिर नाम से जाना जाता है, तो उसका ब्लॉग भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो इस लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।